जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पाता, काफी समय हो जाता है, मन में संशय होता है कि मैंने पूजा में कोई गलती तो नहीं की, मैंने भगवान की पूजा की लेकिन मेरी मनोकामना क्यों नहीं पूरी हुई। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। निम्नलिखित 6 ऐसी गलतियां मैं आपको बताऊंगा जो पूजा के समय आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, हम प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं, हम व्रत भी रखते हैं, कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई एकादशी का व्रत रखता है, कोई वैभव लक्ष्मी व्रत, सभी अपने अपने हिसाब से व्रत रखते हैं अपनी मनोकामना के लिए। लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं जो जरूरी हैं, आप चाहे पूजा पाठ करते हैं चाहे व्रत करते हैं, लेकिन ये नियम बहुत ही जरूरी हैं। अगर आप ये नियम निभाते हैं तो घर में तरक्की आती है, आपकी मनोकामना पूरी होती है और जीवन में कभी आपको कोई कष्ट नहीं होगा। जिस कार्य के लिए आप पूजा कर रहे हैं वह मनोकामना आपकी जल्दी से जल्दी पूरी होगी। सबसे पहला, आप व्रत करते हैं तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि व्रत में नियम बहुत ही जरूरी हैं। जैसे आप कोई व्रत करते हैं तो उसमें आप जितना संभव हो उतना जो है कम खाएं। यानी आपने व्रत रखा है, आप दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, शरीर में आलस आएगा, और उसकी वजह से अगर आप पूजा के समय बैठेंगे तो पूजा के समय आपका मन पूजा में नहीं लगेगा। तो व्रत का यही नियम होता है कि हम व्रत में फलाहार करते हैं। फलाहार का मतलब ये होता है कि कम भोजन करना, एक टाइम भोजन करना। जिनका शरीर स्वस्थ नहीं है, कोई परेशानी है, तो वह 2 समय कर सकते हैं भोजन, लेकिन व्रत में आप थोड़ा फलाहार आदि कर सकते हैं और एक समय ही आप पेट भर के भोजन करें। भोजन में अन्न नहीं खाना है, आप व्रत की सामग्री खा सकते हैं लेकिन दिन भर नहीं, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 2, भगवान की पूजा जिस जगह पे हो और आप वहां पर बैठे तो नीचे कमल का आसन बिछाएं और सिर पर वस्त्र जरूर रखें। यह दूसरी बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बहुत से भगवान के सामने पूजा करते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं, सिर नहीं ढकते, तो इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। यानी आप पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो उस समय आपके नीचे आसन होना चाहिए और सिर पर कोई ना कोई वस्त्र जरूर होना चाहिए। इस चीज का विशेष रूप से आपको पालन करना है। नंबर 3, खाने के अंदर किचन में जिस दिन आपने व्रत रखा है या आप 3 दिन, वीरवार, शनिवार और मंगलवार, जितना हो सके उतना घर के अंदर तामसिक चीज कोई भी ना बनाए, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वैसे तो 4 दिन होते हैं लेकिन 3 दिन आप जो जरूर ना, बृहस्पतिवार, शनिवार, मंगलवार, इन दिनों में घर के अंदर कोई भी तामसिक चीज नहीं बननी चाहिए, इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नंबर 4, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जिस देवता की पूजा कर रहे हैं पूजा पूरे मन से करें। पूजा करते समय ना ही आपको नींद आनी चाहिए, ना ही आपको जमाई आनी चाहिए, ना ही आपको आलस आना चाहिए। जब आप पूजा करेंगे तो पूरे मन और लगन से भगवान की तरफ ध्यान रखेंगे, यानी कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं और ध्यान आपका घर पर रखा हुआ है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप पूजा कर रहे हैं पूरे नियम और श्रद्धा के साथ करें। नंबर 5, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिस दिन आप व्रत रखें या प्रतिदिन आप भगवान की पूजा कर रहते हैं तो मंदिर को बिल्कुल साफ रखें और घर में साफ सफाई रखें। घर के अंदर कोई भी गंदगी, मंदिर के अंदर कोई भी ऐसी गंदगी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप फूल चढ़ाते हैं तो फूल कई कई दिन तक पड़े रहते हैं,
आप भगवान पर कोई चीज चढ़ाते हो वो कई दिन तक पड़ी रहती है, तो ऐसी गलती आप ना करें। इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसी कई गलतियां होती हैं जो हमें कई प्रकार की परेशानियां देती हैं। तो यह सारी चीजें का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप भगवान पर पुष्प अर्पण करते हैं या कोई द्रव्य अर्पण करते हैं, जैसे प्रसाद अर्पण कर रहे हैं तो दो दो दिन तक प्रसाद पड़ा रहता है भगवान के सामने, या आप पुष्प चढ़ा रहे हैं तो पुष्प जो है एक टाइम से दूसरे टाइम तक नहीं रहने चाहिए। जैसे आपने सुबह पुष्प चढ़ाए तो शाम को उनको किसी थैली में पोलोथिन में बंद करके रख दें और उसे जमुना जी में प्रवाहित करवा दें, या कोई नदी हो तो उसमें आप डलवा दें। और जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की प्रिय वस्तु आप जरूर चढ़ाएं, और आप प्रत्येक पूजा में जिस देवता की पूजा करते हैं उनकी प्रिय वस्तु जरूर चढ़ाएं और कमल पुष्प जरूर चढ़ाएं। घी का दीपक जलाते समय घी के दीपक में थोड़ी सी केसर जरूर डालें। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जिस जगह पर आप पूजा करते हैं वह स्थान सुगंधित होना चाहिए, सभी देवताओं का वास होता है। नंबर 6, आप भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान के सामने दीपक जलाएं और आपको संकल्प करना है। कोई भी पूजा आप करते हैं तो बिना संकल्प के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है, इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आप जो भी पूजा पाठ करते हैं तो आपको संकल्प जरूर करना है, क्योंकि संकल्प के द्वारा ही दान लगता है, संकल्प के द्वारा ही पूजा लगती है। यानी हाथ में आप जल ले लें और जिस कार्य के लिए आप व्रत कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं तो वह भगवान के सामने आपको बोलना है कि प्रभु मैं इस कार्य के लिए आपका व्रत कर रहा हूं या पूजा कर रहा हूं, आप मेरी मनोकामना पूरी करें, ऐसा कह करके आप भगवान के सामने जल छोड़ दें और भगवान के सामने फल अर्पण करें, दो फल जरूर चढ़ाएं। भगवान की पूजा करते समय आप इस चीज का ध्यान रखें कि जब तक आप पूजा करें, एक बार पूजा में बैठ गए तो उसके बाद में पूजा पे से उठना नहीं चाहिए। या आप कहीं भी कोई कथा सुन रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो या तो वहां बैठो मत, अगर वहां बैठ जाते हैं तो पूजा पूर्ण होने के बाद ही आपको वहां से खड़ा होना है। इन सारी बातों का आपको विशेष रूप से पालन करना है। तो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो भगवान की कृपा से आपकी पूजा पूर्ण होगी और आपको फल भी मिलेगा। असत्य से बचें, जिस दिन आप व्रत रखते हैं तो उस दिन झूठ नहीं बोलें, मिथ्या भाषण ना करें, किसी से वाद विवाद ना करें। इन सारी बातों का विशेष रूप से आपको पालन करना है। अगर आप पालन करेंगे तो पूजा का बिल्कुल आपको पूरा फल मिलेगा और शीघ्र से शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे सबको पता चल सके। और पेरीबाल चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो आप तक पहुंचेगी। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।